कहाँ से हैं? अच्छा था। हाँ, कहाँ से हैं आप लोग? हम तो मुजफ्फरपुर से हैं, आप कहाँ से हैं? काफ़ी अच्छा ही है। कैसा रहा है एग्जाम आज का? राइटर्स थे हिंदी के, रिमझिम के पार्ट, जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स थे तो जैसे। हाँ जी, नमस्कार। देख सकते हैं KVS एग्जाम सेंटर पे है और अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया, तो हम पूरा एनालिसिस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सर कैसा गया एग्जाम? काहे भाग रहे हैं? एग्जाम दिए हैं तो कम से कम बात तो करिए। जी जी बिल्कुल। कैसा गया एग्जाम? बहुत ही अच्छा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। कहाँ कहाँ से कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन वही मैथ का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी था। कैलकुलेशन था या बहुत इजी था? बहुत इजी था। हाँ बहुत इजी था। इजी था क्या? पेडागोजी किस टाइप से था? पेडागोजी भी काफ़ी नॉर्मल लेवल का था। अच्छा। और उसमें जो RTI का एक्ट जो है 2009 का, उसके बारे में पूछा गया था, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा अच्छा। और पेपर पैराग्राफ भी था क्या? हाँ पैराग्राफ भी था। कैसा था पैराग्राफ? पैराग्राफ भी बहुत ही इजी था, नॉर्मल लेवल का, सिंपल लेवल का। सिंपल था जी। तो कितना आ जाएगा इस बार? मतलब सिंपल था तो पूरा चांस है कि 130 जाना चाहिए। 130 जाना चाहिए क्या? और जो बोल रहे हैं EBS भी था? हाँ EBS भी था। कैसा, कहाँ से? थीम से था या थीम से ही था। थिंकिंग बेस्ड पेपर था या मेमोरी बेस्ड था? नहीं, थिंकिंग बेसिस था सारा। NCERT बेस्ड था कि नहीं? NCERT पे था। NCERT नहीं, सब NCERT पे ही था। NCERT बेस्ड था। तो आप कह सकते हैं कि जो पेपर था या NCERT बेस्ड था कि मेमोरी बेस्ड था? नहीं नहीं, NCERT बेस्ड था। कैसा गया पेपर दी? अच्छा था, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं? अच्छा था। हाँ कहाँ से हैं आप लोग? हम तो मुजफ्फरपुर से हैं, आप कहाँ से हैं? ढोली बिहार से। ढोली बिहार से। कैसा गया पेपर? बताइए पेपर, बता पेपर देते तो हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 120 से ऊपर ही जाएगा। 120 से ज़्यादा आ जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था? मैथ का बहुत इजी था। मैथ इजी था। कैलकुलेशन बेस्ड था या नहीं? नहीं, विदाउट कैलकुलेशन था। विदाउट कैलकुलेशन था। CDP से कैसा क्वेश्चन? CDP में भी बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट की मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थॉट वाली नहीं है। थॉट वाली नहीं, थिंकिंग बेस नहीं है ना? नहीं। NCERT से था या नहीं था? NCERT से उससे था, क्या कह रहे हैं, लेखक का नाम था। लेखक का नाम था जी। पैराग्राफ से कहाँ से था, कैसा था? पैराग्राफ बहुत छोटा था, इजी था, अच्छा था। कितना क्वेश्चन था पैराग्राफ से? अप्रॉक्स में 3-4-5 था। 5 क्वेश्चन था। आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर नहीं था, सिस्टर का दिलवाने लाए थे। अच्छा अच्छा। कहाँ से है? यहाँ पे है, बताइए। तो देख लीजिए ना आप। अरविंद स्टडीज। कैसा गया पेपर आपका? काफ़ी अच्छा गया। कैसा रहा एग्जाम आज का? हाँ अच्छा था पेपर। अच्छा था। ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे उसके। अच्छा अच्छा। बाकी तो अच्छा ही रहा। मैथ्स काफ़ी इजी था। मैथ कैलकुलेशन बेस्ड था या नहीं? कैलकुलेशन बेस्ड था, पर इजी थे, सम इजी थे। हाँ। CDP कैसा था? CDP के कुछ ऑप्शंस थे जो बहुत कंफ्यूजिंग थे। अच्छा। बाकी सब तो ठीक ही था। EVS भी ठीक थे, इजी क्वेश्चंस थे उसके। कहाँ से क्वेश्चन बना था? NCERT बेस्ड थे। NCERT बेस्ड। हाँ, लेकिन CDP के जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। अच्छा। और रिसेंट में जैसे दीक्षा है, परख है, सार्थक, ये सारे जैसे जो रिसेंटली यूज्ड मतलब अभी ऐप है। NCF से था या नहीं था? हाँ NEP से था। NEP से था। 2020 से था। NEP 2020 से। उसके बाद यह थी वाइगोत्स्की या कोई मनोवैज्ञानिक? नहीं नहीं, मनोवैज्ञानिक के बारे में नहीं था, पर 2020 था। NCF भी था। हाँ हिंदी के रिमझिम से NCERT बुक है। NCERT से राइटर्स थे हिंदी के, रिमझिम के पार्ट, जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स थे तो जैसे हाथी ने क्या किया, ये सब ऐसी टाइप के। सचिन सर तो बताए हुए थे ना कि NCERT रिमझिम पेपर से पढ़ना है, आप कहाँ से तैयारी किए हुए? मैंने तो बायजूस एग्जाम प्रेप से। एग्जाम प्रेप से सर नहीं बताए थे क्या कि रिमझिम? हाँ हाँ बताए थे, उसमें बताए थे। हाँ रिमझिम से ज़्यादा KVS में? हाँ KVS हिंदी में ज़्यादा था, हिंदी में वो क्वेश्चन ज़्यादा थे, और NEP से क्वेश्चंस थे। मैथ्स में बहुत इजी क्वेश्चंस थे। जो आने वाले अभ्यर्थी उनको क्या पढ़ के आना चाहिए, क्या संदेश दे सकते हैं? हाँ सब कुछ मतलब NCERT फॉलो करें, प्लस जो भी किए हैं वो अभी तक तो जिनका है एग्ज़ाम वो रिवाइज कर लें, NEP ज़रूर देख लें, और बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं सब में ऑलमोस्ट टीचर्स अच्छा ही बता रहे हैं, और एनालिसिस जैसा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो उनको एक बार देख लें।
यूट्यूब चैनल, तो वो उनको फ़ायदा करेगा। प्लस एनईपी तो अच्छा है, मतलब उससे बहुत क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छा है। हाँ। आने वाले अभ्यर्थियों का क्या संदेश दीजिएगा? कि आप अच्छे से ऑल दी बेस्ट अच्छे से करिए और एग्ज़ाम को मतलब कूल होके दीजिए, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए, तो आपने देख लिया, हमने फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।